हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, हमारे साथ हैं हमारे भाई विजय नारायण भाई बदाबी जी, जो कि सोमनाथ गुजरात से हैं। सर का रोमानिया का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लग चुका है, दिखाइए तो भाई। अब देख सकते हैं सर का रोमानिया का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। ओके, तो विजय भाई, आपको हमारे बारे में कैसे पता पड़ा था? सर जी, मुझे यूट्यूब से पता चला था आपके बारे में, कॉन्ट्रामेंटर्स के बारे में। ओके, विजय भाई, इससे पहले क्या बाहर गए? हाँ, मैं एक बार गया हूँ, विजिटर वीज़ा के थ्रू गया हूँ। कौन सा कंट्री गए थे? वियतनाम। ओके ओके, तो विजय भाई, हमारे टच में आने के बाद में अप्रोक्स कितना मंथ लग गया पूरा वीज़ा, मतलब प्रोसेस स्टार्ट करने से वीज़ा स्टैंपिंग तक? लगभग राउंड अबाउट 7 से 8 महीना हो गया मेरा वीज़ा होने में। हाँ, तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी लोग अभी रोमानिया का फीडबैक दे रहे हैं, अधिकतर 7 to 9 months का फीडबैक दे रहे हैं। तो प्लीज़ आपने इस बात को नोट करना है कि ओवरऑल प्रोसेस, मतलब ऑफर लेटर आना, फिर वर्क परमिट आना, फिर सबमिशन होना, फिर वीज़ा स्टैंपिंग होने में फ्लाइट होते होते। ओके, तो विजय भाई, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमारे भाई लोग जो गुजरात से, महाराष्ट्र से आना चाहते हैं, हमारे दिल्ली में अप्लाई करना चाहते हैं यूरोप के लिए, उनको क्या एडवाइस देंगे और किन चीज़ों का उन्होंने ध्यान रखना है अगर यूरोप के लिए अप्लाई करना है तो? बिल्कुल आना चाहिए यहाँ से, कॉन्ट्रामेंटल से बिल्कुल आप अप्लाई कीजिए। थोड़ा बहुत यानी कि पेशेंट रख के आओ, आपका काम बिल्कुल बनेगा यहाँ पे। और मैं तो वही करूँगा, तो सर की यानी जो भी गाइडेंस आपको दे, वो प्रॉपर गाइडेंस की तरफ स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करो और यहाँ से अप्लाई करो। ओके दोस्तों, तो आपने विजय भाई गुजरात से सर का फीडबैक आपने देख लिया। दोस्तों, अभी भी हमारे पास बहुत सारे देशों की वैकेंसी चल रही हैं यूरोप में, जैसे कि सर ने बताया, थोड़ा सा टाइम लगता है, आपने पेशेंस रखना होता है। आप सभी की तरफ से मैं विजय भाई को बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा। थैंक यू सर। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।